अदनान सामी हमेशा ही अपने फैंस को हैरान करते आए हैं अपने गानों से, अपने अंदाज से और अपने फैसलों से। अदनान सामी ने जनता के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। कभी 220 किलो वजनी अदनान सामी सदी की शुरुआत में अपनी गायकी से लोगों के दिलों में उतरे, फिर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से एक नया लुक सामने रखा जो आज तक चर्चा में रहता है। कुछ वक्त पहले भारत की नागरिकता ले चुके अदनान भारतीय समुदाय के बीच अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। ये भारतीय प्रशंसकों से मिला प्यार ही है जिसने अदनान सामी को लेजेंड अदनान सामी बनाया। ऐसे में अगर अदनान अपने सोशल मीडिया पर अलविदा लिख दें तो फैंस का विचलित होना तो लाजमी है। हुआ भी यही। दरअसल कुछ दिनों पहले अदनान सामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पुराने सारे कंटेंट डिलीट कर एक 5 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था जिस पर अलविदा लिखा हुआ था, जिसके बाद उनके प्रशंसक चिंतित हो गए। हो भी क्यों ना, अदनान लाखों लोगों के प्रिय हैं, उनका अलविदा लिखना लोगों के लिए हैरान कर देने वाला तो था ही, साथ ही साथ परेशान कर देने वाला भी था। आप खुद देखिए अदनान के अलविदा वाले पोस्ट के बाद लोगों ने क्या रिएक्शंस दिए हैं। रोजाना इरफान नाम की अदनान की एक प्रशंसक ने लिखा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अदनान के अलविदा पोस्ट ने फैंस को सुशांत सिंह राजपूत की याद दिला दी। लोग इसे किसी अनहोनी के तौर पर देखने लगे। चिंता अदनान की थी कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घट रहा उनके पसंदीदा गायक की जिंदगी में जिससे वो परेशान चल रहे हों। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की घटना के बाद ऐसे पोस्ट डरा देते हैं। ये सारी अटकलें अदनान के पहले अलविदा पोस्ट के बाद लगाई गईं। अदनान के फैंस अभी सोच विचार कर ही रहे थे कि अदनान ने 6 दिन बाद 6 सेकंड का एक नया वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अलविदा गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कैप्शन में अदनान ने लिखा, मेरा अलविदा कहने का तरीका। उनका यह अंदाज लोगों को पसंद तो आया ही, साथ ही साथ फैंस की सांस में सांस भी आई। इस पोस्ट को अब तक 43,000 लोग देख चुके हैं। अदनान के पहले पोस्ट पर सिमरन डिसूजा नाम की एक यूजर ने लिखा था कि वो उम्मीद कर रही हैं कि सब ठीक होगा और अलविदा शायद अदनान के किसी नए गाने या एल्बम का नाम है। सिमरन का यह अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और अदनान के सुशांत सिंह राजपूत जैसी किसी स्थिति में होने की सारी अटकलें भी हवा हो गईं। राहुल निगम नाम के यूजर ने लिखा कि सर आप भी डरा देते हो, मुझे लगा क्या हो गया, आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। स्वाति पटनायक नाम की एक अदनान की फैन ने लिखा कि पहले पोस्ट के बाद वो बेहद डर गई थी लेकिन अब वो बहुत राहत महसूस कर रही हैं और अदनान को वापस देख बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़कर देखे जा रहे अदनान के पोस्ट का कोई वजूद नहीं, बल्कि अदनान तो अपने नए गाने को प्रमोट करने का अनोखा तरीका अपना रहे थे। जल्द ही अदनान अपने नए गाने के साथ अपने सुनने वालों के बीच होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।